सुबह बखैर तमाम देखने वालों का प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में जनाब अपने बात करते हैं कुछ अहम मामलों के ऊपर, कुछ मौजूद ऐसे होते हैं जिसकी तरफ से आपकी तरफ से जिनकी निशानदेही की जाती है, कोशिश ये होती है कि मसाइल के हवाले से खास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता हफ्ते के अख्तिताम तक भी बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए और बार बार मैं बात दोहरा रहा हूँ कि मसाइल इतने सारे हैं और ख़ास तौर पर शहर कराची के मसाइल इतने सारे हैं कि बहुत सारे पैगामात आते हैं पानी के मसाइल के हवाले से, बिजली के हवाले से और दीगर मसाइल पर, ना सिर्फ कराची के बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं और बहुत सारे पैगाम भी इस हवाले से मौसूल होते हैं। सेहत के हवाले से कुछ प्रोग्राम हमारे रहे, डेडिकेटेड हमारे सेगमेंट थे जिसके अंदर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। कोरोना वायरस के वजह से जो नुकसान हो रहे हैं, मौशी नुकसानात हो, माली नुकसानात हो या दीगर मामलात हो, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। तो बहरहाल इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू हमने कर रही है। आज भी हम कुछ मामलात हैं, कुछ मौजूदात हैं, हालात हाजरा के ऊपर भी गुफ्तगू होगी, तो आज वो सिलसिला भी जारी रहेगा। बड़े खास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा, उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। साहबजादा मौसम कुरैशी साहब हैं, मेंबर सिंध काउंसिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, उन्हें मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका साहबजादा मौसम। मौसम ये फरमाइए कि ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि इस वक्त जो गैर मामूली सूरत हाल है, कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हंगामी इकदामात हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ है। वफाक और सूबों के दरमियान टकराव की कैफियत है, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और गर्ज ये कि हर तरह के इल्ज़ामात की सियासत भी हो रही है और हर तरह के मामला जो पहले जारी थे वो इस वक्त भी जारी हैं। आप क्या समझते हैं इसमें ज़िम्मेदारी ज़्यादा किसके ऊपर आयद होती है और ये जो इस वक्त तनाव की कैफियत है इसको कैसे ख़त्म किया जाए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मदू किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन से कोरोना वायरस पाकिस्तान के अंदर आया उसे हमें जो है वो उस दिन से देखना होगा। आपको शायद याद हो कि जिस वक्त कोरोना वायरस की तशखीस हुई, हमने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम किया और हमने लॉकडाउन्स भी किए और बहुत हंगामी बुनियादों के अंदर हमने जो है वो डिसीजंस लिए और जो हमने करके दिखाया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में भी आने लगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वफाक के अंदर आप इमरान खान साहब की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने आके इस तरह के बयानात दिए जिसकी वजह से लोगों ने कोरोना वायरस को बहुत ज़्यादा ईजी ले लिया। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा इट इज़ जस्ट अ फ्लू, उन्होंने कहा कि इससे लड़ना है, डरना नहीं है, उन्होंने कहा कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सब सही हो जाएगा, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है, और इस तरह के मेजर्स की वजह से जो कौम थी वो कन्फ्यूजन का शिकार हो गई और हमें भी उन्होंने जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया कि अनफॉर्चुनेटली हम जिस तरह के इकदाम करना चाहते थे वो हम नहीं कर सके। ये मैं सिर्फ मफरूजों की बुनियादों पर बातें नहीं कर रहा, ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके सामने भी है, आवाम के सामने भी है, मीडिया, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो ये तारीख के अंदर रकम कर ली गई है बात कि किसने क्या इकदाम उठाए। अच्छा, रही बात हॉस्पिटल्स की और रही बात जो इकदाम जिसके अंदर आप कहें कि हमने किस तरह लोगों को कंटेन किया जगहों के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो जितना एग्रेसिवली काम किया उसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। और कोई सूबा, मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा कि सिंध को आप कंपेयर करें पंजाब से, केपीके से, बल्कि किसी भी सूबे में इस तरीके से एग्रेसिवली काम नहीं हुआ जिस तरह से सिंध के अंदर। तो आप ये समझते हैं कि जिस तरह काम हुआ है और ख़ासतौर पर जिस तरह की वर्क फोर्स थी, जिस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया गया, वो दीगर सूबों के अंदर उस तरह का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी सामने आई, कुछ ऐसे मामला सामने आए जिसके ऊपर बड़ी देर तक बात होती रही, वो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हो या मुख्तलिफ इंतज़ाम के हवाले से हो, मास्क या सैनिटाइज़र के हवाले से हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हवाले से हो, इन सारे इल्ज़ाम की कैसे तरदीद करेंगे, कैसे इसका दिफा करेंगे जब सरकारी अस्पतालों में ख़ास तौर पर जो सेहत की सहूलियात हैं जो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं जो इकदाम किए गए वो बरवक्त थे या फिर ये बात जो मीडिया के अंदर फ्लोट कर रही है जिसको बार बार निशानदेही की जा रही है, आपके ख्याल में वो सही चीज़ें हैं जिनकी निशानदेही की जा रही है, आप क्या राय रखते हैं, आपकी राय? देखिए, मेरी राय ये है कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर इकदाम थे वो जाहिर सी बात है एक नॉर्मल सिचुएशन के लिए, जो नॉर्मल सिचुएशन मुल्क के अंदर होती है उसके हवाले से तो काफ़ी थे, लेकिन जब एक हंगामी बुनियादों के ऊपर एमरजेंसी लगी तो उस एमरजेंसी के अंदर जाहिर बात है लिफ्टअप करने में, उसकी फैसिलिटी को बढ़ाने के अंदर, उसको ज़्यादा ब्रॉडर स्केल के अंदर ले जाने के लिए जाहिर बात है कुछ वक्त लगता है। आपके शायद जहन में हो कि हमने एक्सपो सेंटर बनाया, एक्सपो सेंटर के अंदर हमने एक फौरी तौर पर फील्ड क्वारंटीन सेंटर बनाया,
हमने नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर बनाया, गुलशन इकबाल के अंदर अभी हॉस्पिटल का किया, अभी हम जो है वो डिजीजेस जिसे हम इन्फेक्शियस डिजीजेस का कल जो है वो इफ्तिताह किया सीएम साहब ने, मतलब अपनी तरफ से हम राइट डायरेक्शन में जा रहे थे। हम ये नहीं कहते कि पहले दिन ही हमने इतने अच्छे इकदाम कर दिए, नहीं, बट वी वर ऑन द राइट डायरेक्शन, बट हमें मिसलीड किया गया। ठीक है मौसम, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और एक और हमारे बड़े खास मेहमान हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, सरबुलंद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है, उनको भी खुश आमदेद कहूँगा। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर उनसे भी गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहे गुड मॉर्निंग कराची। फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, सरबुलंद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, रहनुमा बड़े सीनियर और एक्टिव कारकुन है, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनको मैं खुश आमदेद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सरबुलंद साहब, वक्त आपने हमें दिया। ये फरमाइएगा कि अब से कुछ देर पहले बल्दियाती इंतजाम के हवाले से बात हो रही थी, मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि जो वफाक और सूबों के दरमियान खींचतानी है, जो कि इस वक्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि गैर मामूली सूरत हाल है, लेकिन अब खदशात बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक मसला जो है वो सर उठा रहा है। अब बारिश का ख़तरा है, अब शहर कराची में बारिश के आने के साथ ही, बल्कि उसके आने से पहले ही लोगों को खदशात शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पर बिजली की तवील लोड शेडिंग जो कि पहले से हो रही है, सड़कें क्योंकि ज़ेर तामीर हैं कुछ और कुछ तामीर नहीं है, नुकसान होंगे, पानी हर जगह खड़ा होगा, अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा, फिर नाले भरे में ये मसला है, तो बल्दियाती मसाइल बेपनाह हैं। अब इस दफ़ा भी वही होने जा रहा है जो हमेशा से होता आया, या कोई आपको लगता है कि कुछ संजीदगी का मुजाहरा थोड़ा सा किया है, कुछ फैसले ऐसे किए हैं जिसको आवाम ने सराहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सूबाई हुकूमतों ने थोड़ा सा अपना काम किया है, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? मेरी राय तो यह है कि पिछले तीन दो टर्म तो पीपल्स पार्टी मुसलसल अभी दोबारा 2008 से लेकर 2020 तक मुसलसल इनके पास सूबाई हुई है, तीसरा टर्म लेकर जारी है। अगर आप तीन टर्म में देखें, पिछले साल देखें फ्लड की सिचुएशन, उससे पिछले साल, फिर के इलेक्ट्रिक पे तो हमने कल धरना भी दिया है के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने, और उस पर हमने उस के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेने का मुतालबा किया खान साहब से कि आप इसको दोबारा सरकार की तहवील में लें, और एक जिस तरीके से मोबाइल कंपनी जो है उसी तरीके से हम दो तीन जो इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं उनको करें ताकि उसमें कंपटीशन हो, अच्छी सर्विस हो, आवाम के लिए बड़ी सहूलत हो। ठीक है, और बल्दियाती हवाले से मैं कहूँगा कि मेयर तीसरा दो ट्रम पहले तीन चार ट्रम गुजार चुकी है, जिसमें से दो मुसलसल, एक मुस्तफा कमाल के सुर में, एक वसीम अख्तर। तो अब भी बल्दियाती बहुत से मसाइल जुड़े हुए हैं, और अब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी मास्टर प्लान के तहत होता है वो नजर नहीं आ रहा। अगर हम कोई सड़क बनाते हैं, हम कोई सेवरेज की लाइन डालते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। और अगर हम सड़क बनाते हैं तो फिर ये फ्लड की सिचुएशन, उसके बाद पानी के निकासी का निजाम नहीं होता। अगर हम वो बना लेते हैं तो फिर सड़क के लिए हमारे पास वो नहीं होता। तो बार बार ये एक खुदा रहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा मास्टर प्लान मांगा सिंध हुकूमत से, वो अभी तक ये नहीं दे सके। तो ये एक फेलियर है पीपल्स पार्टी का कि जो मुसलसल हुकूमत रहने के बावजूद ना तो आपने पानी के निजाम बेहतर कर सकी है वाटर बोर्ड के उससे, ना ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकी है, ना मास्टर प्लान ये ठीक कर सके हैं। कोई भी इदारा अभी फंक्शनल नहीं है, सब डिसफंक्शनल है, और उसके साथ साथ जो है कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन है जिस पर हमारी हुकूमत जब से आई है, जिस पर पीपल्स पार्टी के लोग और आप जैसे सीनियर साथी भी इस बात पर कहते हैं यार लेकिन सिंध हुकूमत चूंकि बार बार ये कहती है कि ये जो है जमहूरियत तशक्कुल मारने वाली बात है, सिंध में इमरजेंसी या सिंध में गवर्नर राज, इस तरह की बातें बहुत सारी होती रही हैं, आपने देखा होगा। तो ये बुनियादी बातें होती हैं जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती है। जब ये डिलीवर करें हमें बोलने की मौका ही ना दें, आवाम को मुश्किल का हाल हो, इस बात पे कोई डिस्कस ही ना करें। हमारे और इश्यूज होते हैं, आज भी हम 1970 से लेकर आज 2020 में वही
सिचुएशन का शिकार है, वही मसाइल का शिकार है जो हम आज से 50 साल पहले थे। क्योंकि आप देखें कि पिछले मैं बात बारह कह चुका हूँ कि हम पिछले 12 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक 10 बस अभी तक नहीं दी है, जिसमें कई दफा इन्होंने ये कहा कि 100 बसें दे रहे हैं। पिछले 5 साल से ये हर साल ऐलान करते कि 100 बसें हमने रखी है। इसके अलावा जो है पानी का K4 का प्रोजेक्ट 2008 से आज 2020 है, हमें कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इनकी हुकूमत बार बार आ रही है। इसी तरीके से हमें कचरा उठाने की जो हमारी केएमसी में इतनी सताहत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 80,000 एम्प्लॉयड हैं, लेकिन विल नहीं है करने की। हमें तो हम नहीं समझ रहे हैं कि आप जो आने वाला बलजाती इंतखाबात हैं उसमें हम मेयर हमने खान साहब ने 15 करोड़ रुपए की 3 अफसाद जो है वो जारी कर दिए हैं 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए, और वो आप देखेंगे हलकों के अंदर रोड कारपेटिंग सर्विस पानी के काम पर ये पैसे लग रहे हैं। अब आने वाला जो वक्त है उसमें हम पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी गुजारिश करते हैं, एमपी के दोस्तों से भी, कि ये जो सिचुएशन है जिसमें कोविड-19 की सिचुएशन है, इसमें जो फ्लड अभी जो बारिश के हवाले से, क्योंकि कराची में अगर बारिश कम भी हो जाए लेकिन चूंकि निजाम अचानक इस वजह से बड़ा नुकसान होता है, और इस तरीके के जो अभी केयर इलेक्ट्रिक का क्राइसिस है, इसके साथ साथ जो दीगर इशूज है उस पर मिल लेके ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। मसाला लगाने के लिए मौसम में फरमाई गया चंद एक चीजों की निशानदेही उन्होंने कर ली है यहाँ पर, जैसे बलियाती मसाइल के हवाले से बात की गई, यकीन बहुत पेचीदा है, बहुत सारे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं, उसके अलावा लैक ऑफ प्लानिंग है और दीगर मामला है जिसकी वजह से मामला जो है बहुत ज्यादा पेचीदा। एक चीज का भी उन्होंने तस्करा किया हुई है कि अगर सूबाई हुकूमत बाकी हुकूमत से तावुन करे तो ये यकीन मसाइल हो सकता है, और ये बात दुरुस्त भी है। तो यहाँ पे जो एक कन्फ्रंटेशन नजर आ रही है इसकी क्या वजह है? आप क्या समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी वफाक के ऊपर आई होती है या सूबों को आगे बढ़कर भी खुद कुछ डिलीवर करने के लिए करना पड़ता है? अगर वफाक इतना वफादार था, वफाक को इतनी फिक्र थी कराची की, क्यों इमरान खान साहब ने कराची की सीट छोड़ ली? हवाली की छोड़ देते थे, इमरान खान साहब को क्या पता नहीं था कि पीआईए का इतना बड़ा सानिया हुआ, पूरी दुनिया ने इसके ऊपर अफसोस किया, उसके अंदर इमरान खान साहब के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जाके किसी एक घर के ऊपर कम से कम फातिया या कम से कम अपनी जो है कभी भी उन्होंने कराची को सीरियसली नहीं लिया। कराची के ऊपर उनकी कोई नजर नहीं है, इनके एमएलए निकल निकल के इनकी पार्टी से जा रहे हैं। कुछ चाहते ही नहीं है, चालीस चालीस गाड़ियां लेके अपना शान अंदाज उनका था, जिसकी तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा मोटो लेके आया थी, यहां मुखालफत कर दिया थी, लेकिन वो आज उसका बिल्कुल ही अगेंस्ट है। रही बात कराची के मसाइल के हवाले से जो आपने बात की, आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर इन्होंने भी और आपने भी जवाब दिया कि कराची के अंदर मेयर कभी भी पीपल्स पार्टी का नहीं रहा। अगर आप पीछे 20 साल के अंदर चले जाएं नेमुल्लाह खान साहब, उसके बाद मुस्तफा कमाल, उसके बाद मेयर आज तक यहां पे हैं, जो काम बलियात के हैं, जो नाम डीएमसी चेयरमैन और जो यूसी चेयरमैन के हैं, वो अपना काम करें, हमने अपनी तरफ से उन्हें सपोर्ट किया। ये जो वजीर बलियात होता है ये किस मरज की दवा होता है? इसका क्या मतलब? हमारा काम है कि हम उनको जो है वो फंड रिलीज करते हैं और वो आगे अपना काम करते हैं। जो चीजें रही बात वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से जो बात की, अभी ऑफ द रिकॉर्ड भाई ने खुद कहा कि 6,000 जो भर्तियां हैं वाटर एंड बोर्ड वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंदर, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अब पॉलिटिकल भर्तियां की हैं। तो जब चीजें मेरिट पे नहीं होंगी, जब चीजें जाहिर बात है आपने 70 साल के अंदर 60 साल के अंदर एक निजाम को बर्बाद करके रखा हुआ है, और उसको जब हम सही करना चाहते हैं तो आप रास्ते अटकाते हैं। आपको यहाँ की बसें तो याद है, लेकिन आपको बीआरटी याद नहीं है, जिसके अंदर बस ही नहीं घुस रही और फिर तोड़ के फिर बनाया। आपको अपना पिछला टर्म याद नहीं है, 5 साल जो आपके एमपीए के अंदर आपने कितनी यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस और आपने
स्कूलों की लाइनें लगा दी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे लोग सीरियस ही नहीं है। मेरे भाई हैं, वफाक अगर सीरियस होता, अगर बाकी लोगों को और मुल्क को, मैं सिंध से भी ऊपर निकल के बात कर रहा हूँ, अगर मुल्क को वाकई में अगर किसी मुकाम पर पहुंचाना होता तो ये हालात नहीं होते कि आज जहांगीर तरीन यूके जाके बैठ जाते, ये इश्यूज नहीं होते कि कभी कोई स्कैंडल है, कभी कोई स्कैंडल है, एक महीना गुजरता नहीं है, दूसरा स्कैंडल है, दूसरा महीना गुजरता नहीं है, तीसरा स्कैंडल है, मतलब जिस तरह वो कहते हैं ना आलू खा रहे हैं आलू नहीं होता, इसी तरह तहरीक इंसाफ में इंसाफ नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि काश 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 कि अभी भी होश के नाखून ले लें, क्योंकि जिस तरह फवाद चौधरी ने कह दिया ना, इनके अपने एमएनए ने कह दिया कि अगर 4-6 महीने के अंदर आपने नहीं किया ना कुछ, तो आप हमेशा के लिए वाइप आउट हो जाओगे और शायद तारीख के अंदर आपका नाम ऐसा लिखा जाएगा कोई आया था जो कहता था कि मैं रुलाऊंगा। आपके अगर सुपरविजन आपकी है लेकिन चूंकि आपकी वो चल ही रहे नीचे माफिया है, उस माफिया को शिकस्त देनी है। हमने इस आवाम को साथ मिला के हुकूमत की विल के तहत उसको शिकस्त देनी है, उसमें हमें नहीं देखना। अगर जहांगीर तरीन हमारे पार्टी का है और वो लंदन जाके बैठा है तो हमी ने तो उसको पब्लिक किया है, उस कमेटी के तमाम चीजों को हमी ने उसको इंक्वायरी बिठाई है, किसी और ने नहीं बिठाई। इससे पहले कभी पीपल्स पार्टी ने किया है, कभी नून लीग वालों ने किया, किसी भी जमात ने नहीं किया, किसी भी जमात ने नहीं किया। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि अपनी हुकूमत अपने लोगों के खिलाफ एहतसाब का जिन्होंने काम किया, फवाद में इजाफे का क्या किया जाए, वो सब पे काम हो रहा है। देखिए सारी चीजें अब सब खुल के सामने आ रहा है। खान साहब ने अपने स्पीच में खुलम कहा कि भाई हमें जब ये पता लगा कि ये पैसा कहां से इन्होंने इजाफा किया, किस तरीके से ये चीजें मैनेज करते हैं, कीमतें बढ़ाते हैं, अब हमें पता लगा, तो खान साहब ने जो बात की वो खुलेआम की है, क्योंकि वो एक वाहिद अभी लीडर हमें नजर आ रहे हैं पिछले 5 दिहाइयों में 6 दिहाइयों में, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम लीडर से पैदा हुए होंगे। खान साहब ने बिल्कुल सारी चीजें ओपन आवाम के सामने रखी, इससे पहले चीजों को कभी पब्लिक नहीं किया जाता था, इससे कभी कोई डिस्कस ही नहीं करता था, क्योंकि ये पार्टी के अंदर का इंटरनल इशू है। लेकिन चूंकि जो सारे लोग हैं सभी में जाते हैं आवाम के वोट से जाते हैं और ये पब्लिक को जवाब दे, खान साहब भी जवाब दे, हम सारे लोग जवाब दे, तो हमने अपने आप को जवाब दे समझा, इसका क्रेडिट आज से इसका क्रेडिट हमें दे, और आज से पहले ये चीजें कभी भी नहीं हुई। फवाद चौधरी साहब अगर बात करते हैं उसका उनकी ज़ाती राय है, फवाद चौधरी के लिए हमारे फयाज़ुल चौहान साहब ने कहा किसी शो में कि अगर वो हमने बाकी में वो यही कहूंगा अगर कोई हमसे या हमारे खान साहब के नजरिए के साथ नहीं चल सकता, वो उससे एग्री भी नहीं करता, तो उनकी जाती रहे। कोई आदमी अगर तेरे के साथ छोड़ के पीपल्स पार्टी में जाता है या नून में जाता है या किसी और जमात में जाता है, वहां से आता है, वो उनकी जाती राय होती है।
बीन एक हम पार्टी की नजरिए की बात करेंगे, हम तहरीक-ए- इंसाफ की आइडियोलॉजी और खान साहब की विजन उसी पे हम सब पैरामल है और हमारी ये कोशिश है गंदे अंडे जरूर है हर पार्टी में, हम ये नहीं कहते कि सारे फरिश्ते जमा हुए हैं हमारे पास और हर पार्टी का ये हाल है और हर पार्टी खुद ही कहती है कि गंदे अंडे गंदे अंडे। अब एक बात में और बहुत काबिल जिक्र करूंगा, आज कुछ चीजें पब्लिक होने जा रही है जीआईटी रिपोर्ट, उस पर कादर पटेल साहब ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कादर पटेल साहब ने हमारे वफाकी वजीर पोर्ट शिपिंग अली जी साहब पर और उन्होंने मैं कहता हूं कि मैं मुजम्मत भी करता हूं, उन्होंने झूठ पर मबनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसका कोई सर पैर नहीं है। वो कह रहे हैं कि वहां पे यूनियंस ने लेटर लिखे हैं नेप को, तो ये सब झूठ है। उनके सारे इल्जाम को मैं झूठा करार दे रहा हूँ, कोई किसी किस्म की कोई इल्जाम की कोई हैसियत मैं चैलेंज कर रहा हूँ कादर पटेल साहब को, सैफ गनी साहब को, मैं सबूत के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा इश्यूज है उस वजह से नहीं किए, हमारे अपने यूके इलेक्ट्रिक का इशू चल रहा है तो उस वजह से नहीं किया, वरना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, मैं चैलेंज करने वाला था इनको कि आप ले आए सारे सबूत, मैं भी लेकर आता हूं आपके हवाले सबूत, जितने आरोप प्लांट आपने बनाए हैं कादर पटेल साहब वो आज भी खोखले बने हुए हैं, एक कतरा पानी वहां से नहीं निकल रहा, आपके ऊपर जो इल्जाम है उजैर जान का कि आपको टिकट दिलाने वाला, आपके साथ लियाकत अस्कानी को टिकट देने वाला, उनके साथ बहुत सारे लोग कर रहे सारे, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिकॉर्ड पर रहने हैं, ये तो उजैर जान की अपनी इंकशाफात है और ये सारी दुनिया जानती है, तो आपका ताल्लुक कहां से, आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं जमीनों पे जो कब्जे हो रहे हैं आपकी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो क्यू साहब आपके फ्रंट में हैं हमें सब पता है, आप दुबई से किस तरीके से हैंडल करते रहे, आप इन सब चीजों का किस तरह सामना करते रहे, तो हम तो एक पूरा वाइट पेपर उनके खिलाफ भी जारी करेंगे कादर पटेल के खिलाफ, नहीं वो तो आपका राइट है, आपका एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन मसला ये इस तरह के इल्जाम तो माजी में लगते रहे, बहुत सारे बड़े संगीन नियत के इल्जाम आज भी सरकारी साहब के ऊपर भी लगे, क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन फिर अदालत उस पर हुई है, अदालत का काम अदालतों का काम अलग है और जीआईटी का काम अलग है, और एक हकीकत होती है ग्राउंड के ऊपर, लेकिन चूंकि सबूत सारे किसी चीज का ना हो तो उस बात को किसी को हैसियत नहीं है, सिर्फ अली साहब ने मिसाली काम किए हैं अपनी पोर्ट शिपिंग की वजारत में और सारी बातों में मुजम्मत भी करता हूं, तभी जगह पर फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डी हो गई इस हवाले से, मैं करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस बलोची की जीआईटी के हवाले से, तो बकायदा जी जी बिल्कुल अली साहब ने कहा यार भाई पे बैठ के बिल्कुल यार बैठ के सारी चीजें भी एविडेंस उन्होंने सारी चीजों की वजारत की, तो अली साहब का जो काम करने का अंदाज है और जो काम कर रहे हैं वो मिसाली इंशाल्लाह इस काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजीद वाइट पेपर जो आज ये मौजूद नहीं था मैंने थोड़ा सा कदर नमाज की है। चलिए बेहतर जी मोहन साहब आप फरमाइए कि इल्जाम भी लगते रहे हैं और फिर एमएनए महासचिव आवाज से यहां पर आकर कह रहे हैं कि जब जरदारी साहब पे जो बातें हुई तो वो ये कहते हैं कि उसके सबूत जो आपने कहा कि वो जी पर रिपोर्ट का काम है, तो जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कादर पटेल के ऊपर इनके पास कोई सबूत होंगे, और जो कादर पटेल साहब ने उसका जवाब तो कादर पटेल साहब भी देंगे, सारी बातें उन्होंने बगैर एविडेंस के वजह से, सारी बातें मेंबर नेशनल असेंबली है और इत्तेफाकी तौर पे मैंने नहीं बन गया, रात को सो रहे हैं और सुबह पता चला मैं मैंने बन गया, तो क्योंकि मैं वो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो अब एक आवामी वोट ले रहा है वोट ले रहा है, और एक बात अगर आप लैंड ग्रैबिंग की बात करते हैं तो लैंड ग्रैबिंग के अंदर पूरे सिंध के अंदर एक मशहूर नाम है जिसका नाम है अली मादल शेख, जो कि मतलब मैं अगर ये कहूँ कि पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से ग्रैबिंग के बेताज बादशाह हैं, और अगर ये बात इन्होंने कही है अली के जहांगीर तरीन साहब को सबसे पहली मरतबा इन्होंने जो है वो एहतसाब किया और कभी ऐसा नहीं हुआ, तो भाई उसकी बुनियादी रुकनियत कौन सी करो ना, आप खुद कह रहे हो कि वो चीटर है, आप खुद कह रहे हो कि वो करप्ट है, आपकी रिपोर्ट कह रही है, मैं बीच में बोला ने जीत गया, अभी केस खुल गया, ठीक है, डुअल नेशनल था लेकिन उसने इलेक्शन लड़ा, तो कहने का मकसद सिर्फ ये है मेरे भाई कि जब आप धुरा में आ रखेंगे
जब आप मुल्क को दो चश्मों से देखेंगे, ऑपोजिशन पार्टीज को आप देखेंगे दूसरे चश्मे से, और आप जो है वो हुकूमत के अंदर पीटीआई के लोगों को दूसरे चश्मे से देखेंगे, तो इस तरीके से इंसाफ कायम नहीं होगा। इंसाफ और अदल का निजाम ये होता है कि आप सबको एक ही लाइन बराबरी की बुनियाद पर देखें। आपके सामने इतने सारे स्कैंडल्स आ रहे हैं, पेट्रोल का आप खुद कहते थे एक रुपया पेट्रोल में बढ़ता है तो इसका मतलब वजीर आजम चोर है। आप खुद कहते थे कि वो करप्शन कर रहा है अरबों रुपए की, आज आप कितने अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं? 45 रुपए पे सिर्फ टैक्स है पेट्रोल की कीमत के अंदर, 45 प्लस का टैक्स है। आप क्या रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आपके अंडर है, ड्रामा करने के लिए धरना करने जा रहे हैं? अरे भाई इमरान खान को आप एक लेटर लिखे ना, आप जो बात कर रहे हैं आपके, मैं एक आदित्य पटेल के खिलाफ ये लिखूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्या? जब तक उन्होंने क्यों नोटिस नहीं लिया? कराची की आवाम तड़प रही है कि इलेक्ट्रिक अगर हमारे अंडर में होता तो अब तक कब का एक्शन ले चुके होते लेकिन जो चीजें फौरी तौर पर करने वाली होती हैं उसके अंदर हम एक्शन ले रहे हैं। आप मेरे जिले की बात में, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट वर्गी है, 241 से, उधर से अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं मैं आपको पूरी डिटेल दे सकता हूं। आपने 15 करोड़ की बात की कि इनके आने एमएनएस और एनडीएस लगाने लगे हैं, 15 करोड़ और शहर बदल जाएगा, और उसके अंदर मैं आपको अभी मैं सबूत के साथ बात करूंगा अभी, लेकिन मेरे पास इस तरह की जराए से जो है वो खबरें आ रही है कि उसके अंदर जिस लेवल की करप्शन हो रही है, और मतलब 15 करोड़ रुपए आए हैं तो काम हो रहा है 4 करोड़, 5 करोड़ और बाकी 10 करोड़ अगले इलेक्शन के लिए जमा किया जाएगा। तो कम फॉर है नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी जब होगी क्या अकाउंटेबिलिटी, एक रिपोर्ट शायद कर दिया जाएगी, बस कुछ भी नहीं होगा। जैसे जागीर तरीका है, जैसे खुसरो वक्त आया, जैसे फैसल आया, जैसे भाई एक नाम क्या लो है, आप मतलब नामों की लिस्ट है, मतलब करप्ट लोग यहां पे भी आप बात कर रहे हैं। आपने बोला ज़ारा शाही के कातिल का इल्ज़ाम किस पे लगाया, हमने पता लगा आज आप उनके साथ बैठे हैं। अच्छा मतलब इंतहा होती है ना, मैं इसके ऊपर मजीद बात करूंगा, एक छोटी सी ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो जारी करेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के हवाले से सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान जो इस वक्त की खींचातानी हो रही है, जो सियासत हो रही है इसके ऊपर बात कर रहे थे। सरबुलंद खान साहब की तरफ चलेंगे, ये मौसम साहब ने अभी बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की है और साथ में जिस फंड का भी तस्करा हुआ था कि जिस फंड से जो है तरक्याती काम हो रहे हैं उसमें इन्होंने बड़े सादा अल्फाज में ये कहा कि अगर 4 करोड़ रुपये कहीं खर्च हो रहे हैं तो बाकी के जो अमाउंट हैं वो जैसे हमेशा होता है वैसे हो गया, तो इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, कोई होगा इसके लिए अकाउंट फॉर है ही सारे जो यासर भाई ये पहले पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें अकाउंटेबिलिटी तो इतनी ज्यादा है कि हम खान साहब के ऊपर भी हम कहते हैं कि ये फैसला गलत है, ठीक है, और सोशल मीडिया के जरिए वो सब चीजें हम तक पहुंचाते हैं और वो फैसले आवाम की और कारकुनों की उम्मीदों के मुताबिक करते हैं। इन्होंने कहा कि फंड में कहीं करप्शन हो रही, मैं भी एक पार्टी के एक वर्कर के मैं इनको ये दावत देता हूं और मैं इनको अप्रिशिएट भी करूंगा कि वो 1 रुपए की करप्शन भी कहीं साबित कर ले। मेरा भाई मैं आपको हाल भी देना हूं, और वो बंदा इस पार्टी में रहे तो मैं पार्टी छोड़ूंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ और चैलेंज ये कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी में इस तरह के लोगों की कोई कोई जगह नहीं, कोई भी जगह नहीं। और जहांगीर तरीन साहब की उन्होंने बात की, जहांगीर तरीन साहब का अभी केस है कोर्ट में, अभी वो कोई गिल्टी नहीं हुए हैं। अगर हमारी पार्टी का कोई बंदा किसी भी मसले में सजावार और उसको सजा हो जाती है, क्योंकि वो उसकी जात के मुताबिक होगा, हमारी पार्टी कभी उसको बैक नहीं करेगी, हमारी पार्टी उसके पीछे खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हम जिस नजरिए के तहत आए हैं इस मुल्क को संभालने के लिए उसमें तो हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, इस मुल्क की मफादात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और किसी किस्म के लिए हम उसमें नेगलिजेंस भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है गुड गवर्नेंस और हम डिलीवरेंस की नीयत से आए, और चूंकि मुल्क को इन्होंने पिछले 70 सालों से इतना कर्जों के अंदर धकेला है, डुबोया है कि यकीन करें आप पहली दफा कोई हुकूमत जो है वो इन चीजों के ऊपर स्टेबल हो रही है, माशी तमाम हालात के ऊपर हम पहुंच रहे हैं,
मोडीज के आपने रिपोर्ट देखी होगी, वर्ल्ड बिजनेस फोरम के तहत वो जो आई थी उसमें एफएटीएफ में देख लें, सब चीजों में बड़ा पॉजिटिवली जा रहा है। और ये सब जगहों पे नवाज शरीफ साहब की अपनी स्टेटमेंट है बड़े हाई फोरम्स के ऊपर कि हम दहशतगर्दी कर रहे हैं और तमाम दुनिया देख रही है कि हमारे पीपल्स पार्टी के जो दोस्त है वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हम फलाना मुल्क इनके जो कारनामे बनाने की बात कर रहा हूं, जीजीआईटी की बात कर रहा हूं, जर्जान की हो रही है, उसमें सारी चीजें खुद एडमिट किए हैं कि वो किस किस मुल्क से किस तरह इमदाद लेते हैं, किस तरीके से उनको रास पहुंचा रहे थे। तो ये पार्टी जो है ये ड्यूल पॉलिसी लेके चलते हैं, या ईरान के साथ भी, इंडिया के साथ भी, ये सऊदी के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट देख लें, वो अमेरिका को पनामा लीक्स ने कहा कि अब वो कह रहे थे कि जो आप ड्रोन हमले कर रहे हैं आप मजीद करें, कुछ भी करें, मुझे वजीर आजम बना लें। और जितने कर्जे पूरे मुल्क ने मिसाल के तौर पे 2018 तक अगर लिए थे तो उन दो साल के अंदर इनके कर्जे जो उन्होंने लिए वो आपके सामने है। पूरे दुनिया के अंदर जग रसाई हुई, कश्मीर को ले ले कितने हैं, किसी के ड्राइवर बनते हैं, किसी के अदली बनते हैं, किसी के टीटी पॉट बनते हैं, मतलब लिमिट है। एक मुल्क का वकार दुनिया के अंदर जितना पसी की तरफ चला गया, मैं समझता हूँ कभी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से नहीं हुआ। आप वजीर आजम पाकिस्तान है, आप उस तरह ना बिहेव तो करें। आप कह रहे हैं मुझे सुबह पता चला डॉलर इतना बढ़ गया, मैंने टीवी नहीं देखा तो मुझे पता चला, मतलब एक इंतहा हो गया, खुदारा खुदारा ये मुल्क जितनी धसा जा रहा है दलदल महंगाई के, फिस्कल एरर आपके सामने जिस तरह जी उसके ऊपर तो कभी कभी बात करना की बात करें तो कोरोना तो फरवरी के बाद से है, फरवरी तक कौन सा मुल्क जो है वो तरक्की की बुलंदियों पे पहुंच गया था। तो अल्लाह पाक आसानी करे, अल्लाह पाक खैर करे और हमारी जान छुड़े जल्दी। सरदार मोहम्मद आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मेहमान किया सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। और हमारी पूरी कोशिश हमने की, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं हमारे और इससे आप क्योंकि सूरत हाल जो है वो मजीद पेचीदा होने जा रही है, खुदा ना करे कैसी सूरत हाल आए, लेकिन क्योंकि हमारे इकदामात ऐसे होते हैं, हम हमेशा ख़तरे के जब उसके बारे में इत्तला दी जा रही होती है उसके हवाले से हमारी कोई कार्रवाई या कोई काम नहीं होता। बहरहाल अब बात हो रही है बारिशों के हवाले से, हर दफ़ा जो होता है क्या इस दफ़ा भी वही होगा, अब लोग फिक्रमंद हैं इस बारे में, पैगाम भेज भी रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कल इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करें। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, नए मेहमान हमारे साथ होंगे, आप कहीं मत जाएं, देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हो या पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, बहुत सारे दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की है और कोशिश यही होती है कि मसाइल के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। इस वक्त बड़ी खास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, दूसरे सेगमेंट में उनको खुश आमदेद कहेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। आपका नाम अतिया हसन है, डिज़ाइनर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा से बहुत सारे और दीगर काम भी करती हैं, आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, उनको हम खुश आमदेद कहेंगे। बहुत शुक्रिया अतिया, सबसे पहले आपने प्रोग्राम में हमें बात किया। अच्छा ये बताइए कि ये डिज़ाइनिंग का ख्याल कैसे आया, और इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आजकल हर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, क्या आपके दिमाग में भी ऐसा कोई आइडिया है कि ऑनलाइन काम किया जाए और डिज़ाइनिंग का जो आपका शौक है इसको बाकायदा एक बिज़नेस की शक्ल दे के इसको प्रमोट किया जाए, ऐसा कुछ ख्याल है दिमाग में? बिल्कुल है और मैं कर भी रही हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे लोग एनवायरमेंट हैं उनमें, और हमने ये मतलब बैक हमने शुरू किया है 2 साल पहले, और अभी काफ़ी हम
अब बहुत सारे इसमें स्कैम्स भी होते हैं, फ्रॉड्स भी होते हैं, लोग इसे घबराते भी हैं, नहीं खरीद पाते, बहुत सारे जिन एरियाज में आपने बात की है, शायद हमारा नाम काफी है, नाम ही लोग जानते हैं, कैसा रिस्पॉन्स किया मिला चलें बता, बहुत अच्छा मिला और जो हमारे सर्कल में लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, नॉर्थ में हैं, जो भी मेरे हैं, वो लोग हमें जानते हैं, शुरू से हम एक एरिया में हमेशा से रहे, तो हमारा ये छोटा सा नहीं काम है, हम पहले से करते आए हैं, तो अभी हमारा अच्छा रिस्पॉन्स है, हमारी खुद फैमिली बहुत बड़ी है, हमारा एक
पाकिस्तान में नाम है तो हमारा अपने खुद बिरादरी बहुत बड़ी है तो उसमें हम लोग हमारी है ही काम हमारा कपड़े का टेक्सटाइल का बिजनेस इज रिलेटेड टू मेनी टेक्सटाइल या आपकी रिलेटेड है इसलिए आपके लिए आसानी के लिए और हमने जी चूंकि लॉकडाउन हुआ ना जब तो लोग बहुत परेशान हुए ना इससे क्या नुकसान हुआ लॉकडाउन से आप बहुत ज्यादा इतना ज्यादा क्या सोचते हैं क्योंकि सारी चीजें तो बंद है ना फैक्ट्री तो बंद है हर चीज हो रही है तो फैक्ट्री तो बंद है हर चीज बंद है तो बंदा क्या करेगा आप बताएं हम सब खर्चा बैठ के कर रहे हैं घर पे तो जाहिर सी बात है फैक्ट्री खुलेगी तो काम होगा हमारी ऊंची आएंगे जो चीजें होंगी वो तो नहीं हो रही ना तो हमारी बंद पड़ी है हम क्या करें तो हमने ये सोचा छोटे से हम अगर हमें 5% भी फायदा होता है हमें इनकम होती है तो हम इसे डिनाई नहीं करेंगे हम काम करेंगे लोगों को काम करके देंगे हम उसे बंद नहीं करेंगे जैसे अगर कोई चीज है फैक्ट्री या कोई भी चीज है आपकी आप उसे बंद करके ना बैठे उसके एक पोर्शन में छोटा सा ही काम शुरू कर दें वही छोटा सा आपको बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन एक बड़ी अच्छी कोशिश और काबिश है इनकी कि अतिया जो है वो कोशिश ही कर रहे हैं कि लोगों को इंटैक्ट भी रखें और उनसे काम भी ले रहे हैं। अब मसला ये है कि परचेज वगैरह में भी मुश्किल हो रही होगी कि धागा नहीं मिल रहा या फिर और दीगर जो चीज़ें हैं लॉकडाउन की वजह से बड़ी मुतासर हुई हैं तो काम तो यकीनन मुतासर हुआ है। अब ये बताइए कि जो ऑर्डर्स वगैरह ले रहे थे पहले या ऑनलाइन जो आपके पास ऑर्डर्स आ रहे थे उनकी तादाद में कोई कमी बेशी हुई है ईद के दौरान या इतने में कोई ना कोई काम हो गया होगा बहुत ज्यादा नहीं थी जिस तरह से हम ईद कैसी गुजरी है बताइए ऑर्डर्स के हवाले से अच्छी नॉर्मल थी लोगों ने इतनी शॉपिंग नहीं की है लोग डरे हैं नहीं लोग डरे हैं लोग इतना ज्यादा नहीं मैं झूठी बोल रही हूं बहुत दुख था बिल्कुल इतना ज्यादा लोगों ने बहुत कंट्रोल किया ज्यादातर हमें लोगों ने बहुत ज्यादा इस चीज पे किया कि हम शॉपिंग इतना ना करें हालात इतने बेहतर नहीं हम लोग के हमारे तो जो बच्चे हैं बच्चे तो नहीं मानते बच्चे तो किसी के नहीं मानते वो तो बच्चों की तो बच्चों की होती है हमने बच्चों के ड्रेस रखे हैं बच्चों के ज्यादातर अच्छा सारे एज ग्रुप के लोग हैं ठीक है बच्चों के लिए बच्चियों के बच्चियों के टीनएजर्स के लिए फिर उनके हिसाब से तो ये जो ट्रेडिशनल आपने स्टाइल को भी बताया है जो हमारे स्टाइल हुआ करते थे जिसमें चूड़ीदार पजामा और इस तरह की चीजें बच्चों के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं खासतौर पर जो एज ग्रुप 13 से लेकर जो 20 और 25 के दरमियान आती है आप अगर वेस्टर्न पहनाएंगे तो फिर वो आदी हो जाएगा उस चीज का वो जीन्स ही पहनेगी आप 2 साल के बच्चे को पहनाते हैं फिर 4 साल की हो जाती तो होती है वो मुझे यही अगर आप उसे कुर्ता फ्रॉक कमीज सलवार या दुपट्टा स्कार्फ देंगे तो वो पहनेगी ये तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या पहन रहे हैं और बाहर क्या बिक रहा है क्या मिल रहा है अगर मैं उसको वेस्टर्न ड्रेस बना दूंगी विदाउट स्लीव बना दूंगी छोटी ड्रेस बना दूंगी ओपन ड्रेस बना दूंगी तो लोग मजबूरन वही खरीदेंगे जो मिल रहा होगा जो बिक रहा है आप वही खरीदेंगे ना जाके मार्केट में और तो कुछ नहीं खरीदेंगे अच्छा अभी तक ब्राइडल के हवाले से क्या कोई ख्याल आया कि इस पर भी काम किया जाए या कोई काम कर रही है ब्राइडल बनने के हवाले से जी होते हैं हमारे पास ड्रेसेस फिर वो हाई उसमें होते हैं हाई लेवल पे भी हैं लो लेवल पे भी हैं हमारे पास काफी ड्रेसेस हैं हमने अपने लिए खुश रहने के लिए बच्चों को जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम ठीक है ये गर्मी के हवाले से खैर लॉन का सीजन होता है लॉन के ऊपर ही काम हो रहा होता है चाहे स्टेज हो स्टेज हो लोगों को खवातीन लोगों की बात नहीं करते खवातीन की बात करते हैं लॉन ज्यादा उनको पसंद होती है इसके ऊपर काम करती हैं लाइट कलर तो ओल्ड लेडी होती
जैसे बूढ़ी हैं 50 प्लस, फिर उनके लिए आप अच्छी लगती है डार्क कलर ड्रेस आपकी शख्सियत को निखारता है, आप जो समय के कपड़े पहने हैं आपकी शख्सियत दुबाला हो जाएगी कि आपने क्या पहना है। तो इसके लिए जरूरी है कलर का इंतखाब बहुत जरूरी है। अगर एक एजेड औरत है और रेड कलर की साड़ी पहनी है आपको कैसी लगेगी, तो एक हाफ वाइट कलर की पहनी है या पिंक कलर की या ग्रे कलर की, वो आपको कैसा लगेगा। तो ये अच्छा लगता है लड़की यंग है टीन एज है तो थोड़ा फंकी कलर पहने तो खूबसूरत लगेगी और लोगों को अट्रैक्ट भी करेगी। और लड़कियां चाहती हैं हम अच्छे लगे, लड़कियां तो ज्यादा चाहती हैं, लड़कियां तो हर वक्त इसी में परेशान होती हैं मैं कैसी लग रही हूं। आप 10 चीजें करते हैं वो आपसे हो नहीं पाती मैनेज, ना आप एक चीज भी नहीं कर पाते। मैंने ऐसे लोगों को देखा हमारी तरफ वो एक चीज के साथ 10 चीजें रखी हुई उन्होंने, वो एक भी बेस्ट नहीं है, एक से खराब हो जाती है कभी दूसरी। तो मैं एज ए डिजाइनर ही रहूंगी और मैं डिजाइन ही करती रहूंगी और मैं इसी फील्ड में रहूंगी, क्योंकि एक चीज आप करें बेस्ट करें। लोग अच्छे भी हैं, ईमानदार भी हैं, हमारे पाकिस्तान में दुनिया में अच्छे लोग हैं। अब सब गलत नहीं है, सब ऑनलाइन में फ्लडिंग कर रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे हैं, अच्छे लोग हैं। आप उम्मीद रखें अच्छे अच्छा होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो हम जिसको कहते हैं वो इसी चीज का ऑनलाइन बिजनेस जो है वो प्रमोट होंगे। बहरहाल बहुत सारे लोग हैं प्रोग्राम देखना हमारी
कोशिश होती है, सबको मौका दें प्रोग्राम के अंदर बात करें उनसे, और ख़ासतौर पर ऑनलाइन बिजनेसेस, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, तो कोशिश ये है कि कोई ना कोई इस तरह का सिलसिला भी जो है वो शुरू करें कि जिन लोगों ने काम शुरू किया है उन्होंने क्या मुश्किलात का सामना किया, किस तरह काम स्टार्ट हुआ, कि वो तमाम चीज़ें उन लोगों को भी आपके सामने लेकर आएंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का वक्त दरअसल यहाँ पर ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने कहा।